महाराष्ट्र सरकार का किया पुतला दहन। अभिनेत्री कंगना और महाराष्ट्र की सरकार आजकल चर्चाओं में है। बीएमसी द्वारा एक्ट्रेस का बंगला तोड़े जाने के बाद लोग अब कंगना के समर्थन में आ गए हैं। महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध लोगों में आक्रोश है। मुरादाबाद में आज युवाओं द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व वरिष्ठ नेता संजय राउत के पुतले को साड़ी व चूड़ियाँ पहनाकर दहन किया गया। इस दौरान युवाओं ने जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन कर रहे पूर्व पार्षद विवेक शर्मा ने कहा कि अगर महाराष्ट्र सरकार जल्द माफ़ी नहीं मांगती तो महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल की मुरादाबाद से चूड़ियाँ भिजवाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के बारसी नगर में महाराष्ट्र सरकार का पुतला बनाया, जिससे साड़ी और चूड़ी पहनाकर पुतला दहन किया गया। बाद में कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर सरकार के द्वारा चलाया गया, जिस पर रोष व्यक्त करते हुए आज मुरादाबाद में महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूंका और पुलिस की निगरानी में धारा 144 की जमकर धज्जियाँ उड़ाई गईं। मुंबई में कंगना रनौत के घर पर सरकार के द्वारा चलाया गया बुलडोजर से भड़काए कंगना के फैंस में रोष व्याप्त है। इसी को लेकर मुरादाबाद के बारसी नगर में लोगों ने पुतला बनाया, जिसे साड़ी पहनाकर और चूड़ी पहनाकर एक महिला का रूप दिया गया। पुतले को फूंका गया और विरोध प्रदर्शन कर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही पुलिस की निगरानी में धारा 144 की धज्जियां उड़ाते हुए ये पुतला दहन किया गया और विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कहा गया कि ये कार्रवाई कंगना के साथ निंदनीय है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और अगर सरकार ऐसे ही कंगना के विरुद्ध कार्रवाई करेगी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार का विरोध करेंगे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मेरा विवेक शर्मा जी। विवेक जी, किस तरह का प्रदर्शन किया है आज आपने? ये हमने महाराष्ट्र सरकार का जो उन्होंने निंदनीय कार्रवाई कंगना रनौत के साथ की है, उसके घर पे की है बुलडोजर चला के उसके पीछे, जबकि वो उस समय शहर में भी नहीं थी, और ये कायरतापूर्ण जो कार्य महाराष्ट्र सरकार ने किया है, हमने उसी के मद्देनजर ये कार्यक्रम और ये पुतला दहन किया है महाराष्ट्र सरकार का। किस तरह का पुतला बनाया था ये आपने? हमने महाराष्ट्र सरकार का पुतला बनाया और चूंकि वो एक महिला के साथ लड़ रहे हैं तो उन्हें भी हमने महिला का आकार दिया, उन्हें भी हमने साड़ी पहनाई और उन्हें भी चूड़ियां पहनाई, क्योंकि जब सरकार पूरी दुनिया महिलाओं को एक पक्ष कर रहे, एक समान समझ रही है और ये सरकार उसे कमजोर साबित करने के लिए उस पर कार्रवाई कर रही है तो ये भी कमजोर हुई, तो इसलिए हमने सरकार को साड़ी पहना के और चूड़ी पहना के कंगना रनौत जैसा एक महिला बना के उसका पुतला दहन किया, क्योंकि झगड़ा बराबर का सही है। अब आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? क्या महाराष्ट्र सरकार को अभी हमने पुतला दहन किया है चूड़ी पहना के साड़ी पहना के, और अगर महाराष्ट्र अपने इस कायरता पूर्ण रवैये से अगर बाज नहीं आती है तो हम यहाँ पर डीएम के माध्यम से, हम आपके चैनल के माध्यम से उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि अगर वो नहीं मानेगी तो हम मुरादाबाद से इतनी चूड़ियाँ भेजेंगे, उनकी पूरी सरकार के हाथ भर जाएंगे चूड़ियाँ पहनते पहनते, अगर वो किसी महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो।